बिसमीम आज हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग साइकिल इसका क्वेश्चन नंबर टेन करेंगे आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर बाय अल मुजीब मैन्युफैक्चरर विच मेंटेन बोथ हा लेजर एंड जर्नल लेजर ये अल मुजीब मैन्युफैक्चरर का डाटा दिया गया है जो कि फैक्ट्री लेजर भी मेंटेन कर रहा है और जर्नल लेजर भी मेंटेन कर रहा है जहां पे क्वेश्चन एंड हो रहा है हमें कहते हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दुक ट्रांजक्शन ऑन द जरनल ऑफिस बुक एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक आपने इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस जरनल ऑफिस का मतलब हेड ऑफिस है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री ऑफिस आइए देखते हैं ये जर्नल एंट्रीज क्या हैं और हमने कैसे पुट करना है पहली एंट्री है स्टोर परचेज एंड रिसीव एट फैक्ट्री इट मीन हमने मटेरियल परचेज किया है तो मटेरियल परचेज करें तो इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होती है देखिएगा मटेरियल परचेज एडिंग देते हैं हम कि ये एंट्री है किस चीज़ की मटेरियल परचेज की अगर मटेरियल परचेस किया जाए तो मटेरियल अकाउंट हमारा डेबिट होता है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और वोचर पेएबल इसके साथ जो है वो क्रेडिट होता है कितने का मटेरियल परचेज किया है एक लाख और दस हज़ार से ठीक अब मटेरियल जो है ये हेड फैक्ट्री का आइटम है इसलिए ये यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो इसे फैक्ट्री में हम डेबिट करते हैं ठीक है और वोचर पेबल ये हेड ऑफिस का आइटम है यहाँ पे क्रेडिट है तो वोचर पेबल को हेड ऑफिस में हम क्रेडिट करेंगे कितने से एक लाख दस हज़ार से एक लाख और दस हज़ार से जी अब इसकी डेबिट साइड खाली है अगर हेड ऑफ़िस में कोई साइड खाली हो जाए डेबिट या क्रेडिट वहाँ पे हम हवाला देते हैं फैक्ट्री लेजर का उसमें भी वही एक लाख और दस हज़ार पुट कर दें अगर क्रेडिट साइड कोई खाली हो तो वहां पे हवाला दिया जाता है जनरल लेजर का वहां पे भी एक लाख और दस हज़ार तो ये हमारी पहली एंट्री थी अच्छा बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर हमारे पास जो बुक है उस पर अमाउंट्स और हैं ये कास्ट और काउंटिंग के मुख्तफ एडिशन हैं लेकिन क्वेश्चन वही हैं सेम टू सेम वही इंट्रीज होती है, जस्ट हैं जस्ट अमाउंट का फर्क होता है बेसिक मकसद हमारा कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप कंसेप्ट क्लियर करें अमाउंट जो है वो चेंज होती रहती हैं देन इसके बाद दूसरी एंट्री देखिएगा कहता है रिक्वेजिस्ट रिसीव एंड मटेरियल एंड सप्लाइज इश्यूज एड फॉलोइंग ये कुछ हमने मटेरियल को इशू किया है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो चौरानवे हजार की इशू किया गया और मैनुफैक्चरिंग सप्लाइज जो है इट मीन इनडायरेक्ट मटीरियल वो आपने छः हजार का जो है वो इशू किया है तो ये मटीरियल इशूड की एंट्री होगी एंट्री नंबर टू यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं मटीरियल इशूड मटीरियल इशूड डायरेक्ट जब इशू होता है तो वहाँ पे हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सप्राइज जो है वो इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट की जगह हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते हैं और ये मटेरियल इशू किया गया है इसलिए मटेरियल को क्रेडिट करेंगे देखें डायरेक्ट मटेरियल कितने का है वो नाइन्टी फोर थाउजेंड का है इनडायरेक्ट मटेरियल कितने का है वो सिक्स थाउजेंड का टोटल मटेरियल जो है वो यूज़ हुआ है एक लाख का मटेरियल इशूड में देखा जाए तो ये वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री वेड और मटेरियल ये तीनों जो हैं ये फैक्ट्री के आइटम हैं तो ये तीनों सेम एज़ इट इज़ फैक्ट्री ऑफिस में हम लिख देंगे फैक्ट्री बुक में लिख देंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट है तो डेबिट होगा एफ वाइच डेबिट है तो वो भी डेबिट और मटीरियल जो है वो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे अमाउंट कितनी है ये नाइन्टी है ये सिक्स है और ये टोटल जो है ये वन लैख है अब देखें इस साइड पे कोई एंट्री नहीं तीनों आइटम जो है वो फैक्ट्री में चले गए तो इस साइड पे हम लिख देते हैं नो एंट्री ठीक है तो ये हमारी दूसरी एंट्री थी इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगर देखा जाए तीसरी एंट्री है कहता है पेड फैक्ट्री पेरोल फॉर द वीक एज फॉलो ये फैक्ट्री का पेरोल है जिसमें डायरेक्ट लेबर आपकी बहत्तर हज़ार की है इनडायरेक्ट लेबर जो है वो आठ हज़ार की है डिडक्ट फ्राम द टोटल पेरोन परसेंट फॉर द प्रोविडेंट फंड इसमें से टोटल जो है वो टेन परसेंट प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया गया एंड टू थाउजेंड फॉर इनकम टैक्स और दो हज़ार रुपया जो है वो इनकम टैक्स है अ फैक्ट्री पे रोल इज एट मैंटेन एट फैक्ट्री फैक्ट्री का जो पेरो है वो फैक्ट्री मेंटेन हो रहा है एट द एंड ऑफ ईच वीक दैक्ट्री पेरोल इज रिपोर्टेड एंड पेड बाई दर्नरल ऑफिस हर वीक एंड पर फैक्ट्री वाले अपना पे रोल बना के एट ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं दी ओनली पे रोल इंट्री ऑफ ऑन दि

तो इसमें जब वन डिस्ट्रीब्यूशन कह दे या पेरोल क्लियर अकाउंट मेंटेन नहीं हो तो उस टाइम हम पहली और तीसरी यानी रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल इन दोनों को मिक्स करके लिखते हैं ठीक है इसके बाद देखें क्वेश्चन में क्या कहता है कहते हैं कंपनी आल्सो कंट्रीब्यूट टेन परसेंट ऑफ दी पेरोल फॉर इट्स प्रोविडेंट फंड कंपनी जो है वो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रही है देखें वन डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कैसे करेंगे जब वन डिस्ट्रीब्यूशन का के उस टाइम हम रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल दोनों को मिक्स करके एक एंट्री बनाते हैं अब इस क्वेश्चन में अगर रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल पेरोल की एंट्री करें तो तो ये फैक्ट्री पेर, पेरोल है तो सिर्फ फैक्ट्री पेरोल अकाउंट डेबिट होगा ठीक है आपके पास प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड जो है उसे क्रेडिट करेंगे और इनकम टैक्स है तो उसे भी क्रेडिट किया जाएगा बाकी जो बच जाता है वो आपका अक्रूड पेरोल होता है तो अक्रूड पेरोल क्रेडिट होगा टोटल अगर क्वेश्चन में ये प्रोविडेंट आपका पेरोल देखा जाए तो ये अस्सी हज़ार है ठीक है जिसमें टेन परसेंट प्रोविडेंट फंड है अस्सी हज़ार के टेन परसेंट लिया जाए तो ये आठ हज़ार आता है और दो हज़ार इनकम टैक्स है तो ये दो हज़ार देन बाकी अक्रूड रह जाएगा वो तकरीबन सत्तर हजार डायरेक्ट तो लेबर और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर जो है फैक्ट्री ओवर हेड पे चार्ज होता है और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो वर्क इन प्रोसेस पे चार्ज होता है डायरेक्ट आपका बहत्तर हजार का है और इनडायरेक्ट आपका आठ का है और ये फैक्ट्री पे रोल है तो इसलिए फैक्ट्री पे रोल को हम क्रेडिट करते हैं ठीक है 80000 लेकिन उसने हमें ये कहा है कि आपने वन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करनी है वन डिस्ट्रीब्यूशन में इन दोनों को मिला के तो देखा जाए ये फैक्ट्री पे 80000 से डेबिट है ये फैक्ट्री पे रोल 80000 से क्रेडिट है तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए ये डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट है तो ये आपस में कट जाएंगे बाकी देखा जाए तो ये दो आइटम जो हैं ये आपके डेबिट हो रहे हैं इन्हें डेबिट करेंगे और ये तीन आइटम जो है ये क्रेडिट हो रहे हैं तो इन्हें क्रेडिट करेंगे ये जो हमारी एक नई एंट्री बनेंगी इसकी पेरोल की इस एंट्री को हम वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल कहते हैं आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस एंट्री को कैसे पुट करेंगे इंट्री नंबर यहाँ पे सी लिख देते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल तो पेरोल की एक जो नई एंट्री है वन डिस्ट्रीब्यूशन की ये दो आइटम जो हैं ये डेबिट हो रहे हैं वर्क इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस डेबिट है तो वो भी डेबिट एफ एच डेबिट है तो वो भी डेबिट प्रोविडेंट फंड जो है वो क्रेडिट हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे इनकम टैक्स भी क्रेडिट हो रहा है और बाकी अक्रूड पेरोल भी क्रेडिट हो रहा है वर्क इन प्रोसेस देखा जाए तो वो बहत्तर हज़ार के है फैक्ट्री ओवरहेड देखा जा जाए तो वो आठ हज़ार के है प्रोविडेंट फंड भी आठ हज़ार के हैं इनकम टैक्स दो हज़ार का है और अक्रूड पेरोल देखा जाए तो वो सत्तर हज़ार के है। ये आपकी वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल है अब इसको आगे सेपरेट करेंगे इन द बुक ऑफ फैक्ट्री ऑफिस एंड हेड ऑफिस देखा जाए तो ये वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवर एड ये दोनों फैक्ट्री के आइटम है ये डेबिट हो रहे हैं तो फैक्ट्री साइड पे हम इसे डेबिट कर देंगे वर्क इन प्रोसेस बहत्तर हजार से है और फैक्ट्री ओवर एड जो है वो आठ हजार से है और ये तीनों क्रेडिट हैं और ये तीनों हेड ऑफिस के आइटम है तो हेड ऑफ़िस में क्रेडिट करेंगे प्रोविडेंट फंड आठ हज़ार इनकम टैक्स दो हज़ार और अक्रूड पेरोल आ जाएगा अक्रूड पेरोल देखा जाए तो वो सत्तर हज़ार अब इसकी डेबिट साइड खाली है तो यहाँ पे हेड ऑफ़िस में जो साइड खाली हो वहाँ पे फैक्ट्री लेजर का हवाला दिया जाता है तो ये टोटल देखा जाए ये सत्तर सत्तर और आठ और दो दस हज़ार यानी अस्सी हज़ार टोटल आपका बन जाएगा और इस साइड पे जो साइड खाली है वहाँ पे वाला हम जनरल एजर का देते हैं उसमें भी वही अस्सी हज़ार लिखेंगे तो ये आपकी पहली एंट्री थी रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल देन इसके बाद पेरोल की बेसिकली हमने चार एंट्रीज करनी होती हैं ये वन डिस्ट्रीब्यूशन की है तो पहली और तीसरी तो हमने कंबाइन करके लिख दी बाकी दो एंट्रियाँ रह जाती हैं वो हम करेंगे कौन कौन सी इसके बाद आ जाएगी प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट प्रिपेयर वोचर एंड एट्स पेमेंट तो देखें वोचर जब बनाते हैं तो इंट्री ये होती है ये अक्रूड पे रोल आपका डेबिट हो जाएगा और वोचर इसके बदले बनता है तो इसलिए वोचर पेएबल जो है वो क्रेडिट होता है कितने से जितना हमने पे करना है सत्तर हज़ार रुपये दैन जब ये पे कर देते हैं तो ये वोचर ख़त्म हो जाता है वोचर पेएबल को हम डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से वही सत्तर हजार से ठीक है अब इसे सेपरेट कैसे करेंगे ये अक्रूड पेरोल और वोचर पेबल दोनों हेड ऑफिस के आइटम है तो दोनों सेम एज इट इज हेड ऑफिस में लिख देंगे अक्रूड पेरोल और वोचर पे एबल कितने से जी सत्तर हजार से फिर नीचे वाली एंट्री वोचर पे और बैंक ये भी दोनों हेड ऑफिस के आइटम है तो हेड ऑफिस में लिखेंगे वच्चर पेबल टू बैंक सत्तर हज़ार सत्तर इस साइड पे कोई एंट्री नहीं आई तो लिख देंगे नो एंट्री कि इधर इंट्री नहीं है क्योंकि दोनों हेड ऑफिस में चली गए देन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने मिक्स करके लिख दी इसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अब ये सिर्फ फैक्ट्री पे रोल था तो फैक्ट्री पे रोल जब इम्प्लायर कंट्रीब्यूशन होता है सारा का सारा एफ फैक्ट्री ओवर हेड पे चार्ज होता है और वो इंप्लायर कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक चीज पे कर रहा था प्रोविडेंट फंड को तो प्रोविडेंट फंड को हम क्रेडिट करेंगे कितना प्रोविडेंट फंड था ये ऊपर अमाउंट लिखी गई है आठ रुपया तो यहाँ पे आठ लिखा था ये फैक्ट्री ओवर बेसिकली फैक्ट्री का आइटम है तो इसलिए ये फैक्ट्री में जाएगा और ये प्रोविडेंट फंड क्रेडिट हो रहा है ये हेड ऑफिस का आइटम है तो इसे हेड ऑफिस में लिखेंगे अब इसकी डेबिट साइड खाली है तो यहाँ पे हवाला फैक्ट्री लेजर का दे दिया जाएगा इसकी क्रेडिट साइड खाली है तो यहाँ पे हवाला जनरल लेजर का दे दिया जाएगा तो ये हमारी तीसरी एंट्री थी सी वाली आपकी पे रोल की रिकार्डिंग पे रोल वगैरह उसके तो बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलें तो ये एंट्री नंबर डी है कहता है डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम जो डायरेक्ट मटेरियल था वो रिटर्न होकर स्टोर रूम में आ गया यानी हमने पहले इशूड किया था यूज़ के लिए लेकिन वो वापसी हुआ है तो ये आपकी जो इशूड रिटर्न होती है वही रिवर्स करते हैं ये ऊपर हमने इशू इशू वाली की की हुई है इशूड जब करते हैं तो उस टाइम हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं फैक्ट्री ओवर को डेबिट करते हैं और मटीरियल इशू होता है तो मटीरियल को क्रेडिट करते हैं लेकिन ये जो है ये डायरेक्ट मटीरियल वापस हो रहा है आइए देखें इसकी एंट्री क्या होगी मटीरियल रिटर्न टू स्टोर तो जब मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम होता है देखें पहले हमने मटेरियल को इशू किया था वापसी हमारे पास आ गया तो मटेरियल में फिर इजाफा होता है मटेरियल को डेबिट करते हैं और डायरेक्ट हो तो वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट किया जाता है अगर इनडायरेक्ट हो तो फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट किया जाता है पैंसठ सौ पैंसठ सौ अब ये दोनों आइटम जो है फैक्ट्री के हैं तो दोनों फैक्ट्री में लिखेंगे फैक्ट्री बुक में मटीरियल डेबिट है तो डेबिट करेंगे पैंसठ से वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट है तो वो क्रेडिट होगा पैंसठ सौ इस साइड पे कोई एंट्री नहीं आई तो लिख देंगे नो एंट्री कि कोई एंट्री नहीं है देन इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो कहता है आ ट्रांसफ़र वॉचर फ्रॉम जर्नल ऑफिस शो द फॉलोइंग एक्सपेंस टू रिकॉर्ड ये कुछ एक्सपेंस रिकॉर्ड किए गए और ये वॉचर जो है ये जनरल ऑफिस में ट्रांसफ़र किया गया इस एक्सपेंस में देखें सबसे पहले इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट है वो 2500 की है टेक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग पांच सौ का है हीट लाइट एंड पावर जो है वो चौंतीस सौ की है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग ये दोनों अठारह सौ की है टोटल जो फैक्ट्री ओवर हेड का पेरोल है वो दस हजार का है तो ये येड की एंट्री है यहाँ पेडिंग देते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री ओवर हैं, हमारी एंट्री ये होती है फैक्ट्री ओवर हेड को हम डेबिट करते हैं इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस को क्रेडिट किया जाता है डेप्रिसिएशन हो तो डेप्रिसिएशन को भी क्रेडिट किया जाता है बाकी जो बच जाता है उसका वोचर बनता है इसलिए वोचर पेएबल को क्रेडिट किया जाता है टोटल फैक्ट्री देखा जाए तो वो लिखा हुआ है दस हज़ार तो ये फैक्ट्री में टोटल अमाउंट लिख देंगे दस हज़ार इंश्योरेंस देखी जाए तो ये पच्चीस सौ है तो ये इंश्योरेंस में पच्चीस सौ डेप्रिसिएशन देखा जाए अठारह सौ की ये मशीनरी की है अठारह सौ फैक्ट्री बिल्डिंग है दोनों देखा जाए तो ये छत्तीस सौ रुपया बन जाएगा ठीक है बाकी जो है वो वोचर बन जाएगा दस हजार में से पच्चीस सौ और छत्तीस सौ ये दोनों माइनस कर दें बाकी आपको वोचर बन जाएगा वो तकरीबन आपका बन जाएगा फोर्टी नाइन हंड्रेड का ठीक है अब इसे सेपरेट कैसे करेंगे अब देखा जाए तो ये फैक्ट्री वह फैक्ट्री का आइटम है ये डेबिट हो रहा है तो इसे फैक्ट्री को फैक्ट्री बुक में डेबिट करेंगे टेन थाउजेंड से बाकी ये तीनों आइटम जो है ये हेड ऑफिस के हैं तो हेड ऑफिस में लिखेंगे अब देखा जाए तो इसकी डेबिट साइड खाली है तो यहाँ पे हवाला दे दिया जाएगा फैक्ट्री लेजर का और इसकी क्रेडिट साइड खाली है तो यहाँ पे हवाला जो है वो जर्नल लेजर का दिया जाए कितने से दस हज़ार से और यहाँ पे भी वही इंट्री इक्वल करने के लिए दस हज़ार लिखेंगे सॉरी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये थर्टी नाइन हंड्रेड आता है क्योंकि टोटल जो है वो दस हजार है पच्चीस सौ का यहाँ पे चला गया छत्तीस सौ के यहाँ पे बाकी थर्टी नाइन बच जाते तो थर्टी नाइन हंड्रेड लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है एंट्री नंबर एफ कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ वन फिफ्टी परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर आप जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्शन पे और कितना अप्लाई कर रहे हैं वन फिफ्टी परसेंट एक सौ पचास परसेंट किसका डायरेक्ट लेबर एंट्री नंबर एफ चार्ज फैक्ट्री ओवर हैड टू प्रोडक्शन तो देखें जब फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन पे चार्ज करते हैं तो हमारी उसमेंट्री ये बनती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है तो ये कितना चार्ज हो रहा है ये आपका कह रहा है वन फिफ्टी परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर तो डायरेक्ट लेबर हमें ऊपर दी गई डायरेक्ट लेबर देखी जाए तो ये हमारे पास है सेवेंटी टू थाउजेंड का अगर सेवेंटी टू थाउजेंड का हम वन फिफ्टी परसेंट लिया जाए तो ये तकरीबन एक लाख और आठ हजार आ जाएगा तो यहाँ पे एक लाख आठ हजार अब देखा जाए तो ये दोनों आइटम जो हैं वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री के हैं तो ये फैक्ट्री बुक्स में चले जाएंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट है तो उसे डेबिट करेंगे एक लाख आठ से और ये इफेक्टिव ओवर अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट है तो इसे क्रेडिट करेंगे एक लाख और आठ हजार से यह हमने रेट अप्लाई किया था इसलिए यहाँ पे लफज अप्लाइड लिखा गया है और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे नो एंट्री देन इसके बाद नेक्स्ट है एंट्री नंबर जी कहते हैं वर्क कम्पलीटेड ड्यूरिंग दी वीक वर्क कम्प्लीट हो गया इट मी रिकॉर्ड ऑफ फिनिश गुड है रिकॉर्ड ऑफ फिनिश गुड अगर फिनिश गुड को हम रिकार्ड करें तो हमारी जनरल एंट्री ये बनती है फिनिश गुड डेबिट होता है और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करते हैं कितनी चीजें कंप्लीट हुई हैं दो लाख चालीस की तो यहाँ पे दो लाख और चालीस लिख देंगे ये भी दोनों आइटम जो हैं ये फैक्ट्री ल, आ, बुक्स के हैं तो इन्हें एज इट इज फैक्ट्री बुक्स में लिख देंगे दो लाख चालीस और इस साइड पे कोई इंट्री नहीं है तो नो एंट्री द नेक्स्ट देखा जाए तो कहता है गुड कास्टिंग टू लैख फिफ्टी फिफ्टीन थाउजेंड वर सोल्ड थ्री लैख कहता है कि गुड्स उनकी कास्ट यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड वो दो लाख पंद्रह हज़ार है उन चीज़ों को हमने सेल किया है कितने में सेल किया है तीन लाख में तो ये रिकार्ड ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है एंड सेल है तो यहाँ पे लिखेंगे रिकार्ड ऑफ सी जी एस एंड सेल तो देखिए जब सी जी एस को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी जनरल इंट्री ये बनती है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट कितने की ये सी जी एस कास्ट उसकी थी दो लाख और पंद्रह हज़ार दो लाख और पंद्रह हज़ार ये सी जी एस जो है ये हेड ऑफिस का आइटम है हेड ऑफ़िस में आ जाएगा फिनिश गुड जो है ये फैक्ट्री का आइटम है तो फैक्ट्री में आ जाएगा कितने से दो लाख पंद्रह हज़ार से दो लाख पंद्रह हज़ार से अब इसका क्रेडिट साइड खाली है तो यहाँ पे फैक्ट्री लेजर लिख देंगे दो पंद्रह इसकी डेबिट साइड खाली है तो यहाँ पे जनरल लिख देंगे दो लाख पंद्रह हजार इसके बाद लास्ट इंट्री सेल की है सेल की होती है कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट कितने की सेल की है तीन लाख की तो ये तीन लाख लिख दें ये भी दोनों आइटम जो है ये हेड ऑफिस के हैं तो एज इट इज हेड ऑफिस में आ जाएंगे और उस साइड पे हम लिख देंगे नो एंट्री तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टेन था जनरल uh, इंट्रीज थी रिकॉर्ड करनी इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस में एंड फैक्ट्री ऑफिस में आई होप समझ आ गई होगी थैंक यू अल्लाह हाफिज़